मैं डॉक्टर मीनल मोहित, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, जयपुर। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2022 इस उपलक्ष में आज मैं आपको मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मधुमेह एक तेजी से फैलती हुई महामारी के रूप में है। आज हमारा देश जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। हर 7 में से एक डायबिटिक पेशेंट डेफिनेटली भारतीय होता है। अगर इस तरह से समझेंगे तो लगभग 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन जो डायबिटीज से ग्रसित है वो हमारी हिंदुस्तानी पॉपुलेशन है। और अगर कुछ लोगों को नहीं पता है कि उन्हें डायबिटीज है तो वो बर्डन भी आज सबसे ज्यादा हमारे पास ही है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि मधुमेह क्या है। मधुमेह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से आने वाला एक हार्मोन है वो या तो कम आ रहा है या तो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस की परिस्थिति में शुगर्स बढ़ जाते हैं और इस परिस्थिति को हम मधुमेह यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। मधुमेह की वजह से आंखों में अंधापन, पैरों में सुन्नपन, किडनियों का फेल होना, हार्ट अटैक्स, ये सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इन सभी कॉम्प्लिकेशंस का मुख्य कारण आज डायबिटीज है। तो अगर डायबिटीज की महामारी की खतरनाक परिस्थिति को समझ सकेंगे तो बेहतर होगा। और इससे बचाव का बहुत आसान रास्ता है। नंबर 1, हमारी आहार को हमें बदलना है। नंबर 2, जीवन शैली यानी हमारा नियमित व्यायाम करना अत्यधिक आवश्यक है। और नंबर 3, रेगुलर चेकअप, तो नियमित अपना जांच करते रहें। खाली पेट का शुगर 126 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक ना हो। खाना खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल्स 200 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक ना हो। और 3 महीने का एवरेज यानी HbA1c अगर चेक कराएं तो वो 6.5% से अधिक ना हो। यह सुनिश्चित करें, अपना आहार सुधारें और नियमित व्यायाम करें। धन्यवाद।